सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, घट स्थापना। आपको पता होगा कि नवरात्रि का पर्व आमतौर पर लोग दो ही मनाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चार नवरात्रि होती है। और आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि पर किए जाने वाले ऐसे प्रयोग जो गुप्त तरीके से होंगे लेकिन बड़ा लाभ मिल सकता है। क्या है घट स्थापना का शुभ व्रत, पहले वो जान लेते हैं। गुप्त नवरात्र पर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कर लें ये तीन उपाय और घर ले आए सुख समृद्धि। मंत्र जाप से होंगे अधूरे सपने भी अपूरे। देखिए, माँ की पूजा आराधना से हमें ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। वैसे ही अगर बच्चा कोई भी गलती करे तो पिता के पास न जाकर माँ के आंचल में छुप जाता है। माँ स्नेह की मूर्ति और हर गलती को क्षमा करने वाली होती है। माँ को बनाने में बच्चे को कुछ ही पलों का समय लगता है। इस दुनिया में सब कुछ मुश्किल हो सकता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा सहजता और सरलता से प्राप्त होता है। नवरात्रि पर्व में हम 9 दिनों तक उसी माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। ईश्वर हमारे टेस्ट पर टेस्ट लेते रहते हैं, यानी परीक्षाएं लेते रहते हैं कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम कैसे उन परिस्थितियों का सामना करते हुए उनसे बाहर निकले। यही कारण है कि प्रकृति हमें मौका देती है खुद को सजाने और संवारने का, बेहतर बनाने का। हम उन्हीं कष्टों में से बाहर निकलने के लिए पूजा आराधना प्रार्थना प्रयोग ध्यान चिंतन साधना करते हैं, और उसी से हम कहीं ना कहीं एक बेहतरीन और खास जिंदगी जी पाते हैं। तो 9 दिनों तक चलने वाले गुप्त नवरात्र के पर्व में माँ के भिन्न रूपों की पूजा आराधना भी उसी का एक रूप है। इसमें महाशक्ति और शिव का पूजन किया जाता है, वो भी गुप्त रूप से, सीक्रेट, जो कि इस वर्ष 12 फरवरी 2021 शुक्रवार से प्रारंभ होकर 21 फरवरी 2021 रविवार तक है। जो लोग ईश्वर की, भगवान की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्र से पवित्र कोई और पर्व नहीं है। माँ के 9 रूपों में अपार शक्तियां होती है। इन शक्तियों की प्राप्ति आप भी कर सकते हैं और अपने जीवन को दुख, परेशानी और दरिद्रता से दूर कर सकते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्र में किए गए उपाय जल्दी फल देने वाले होते हैं। नौकरी हो, स्वस्थ हो, संतान हो, धन हो, व्यापार, विवाह, प्रमोशन, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष मंत्रों का प्रयोग करते हैं नवरात्र में, तो आपकी प्रार्थना माँ तक जरूर पहुंचती है। प्रिय साथियों, अब आप झटपट से नोट कर लीजिए वो शुभ मुहूर्त। देखिये, 12 तारीख को लाभ और अमृत वेला है, सुबह 8:43 से 11:29 तक। और वही अभिजीत मुहूर्त है, और दोपहर को 12:30 से 1:14 तक यह अभिजीत मुहूर्त है। अब जानते हैं वो तीन विशेष उपाय, जिस विशेष उपाय में आप विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्र किसी भी दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र खुद भी धारण करें और पूर्व बुक होकर एक पाटा लगा दीजिए, लकड़ी का बाजोट, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके मध्य में चावल की एक ढेरी बनाएं। ढेरी पर श्रीयंत्र हो तो अच्छा है, नहीं हो तो दुर्गा बेसा यंत्र, कोई भी यंत्र जो देवी माँ का हो शुभ रहेगा। श्री यंत्र हो या देवी का यंत्र हो, उसके दाहिने और बाएं तरफ तेल के एक एक दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे ये दीपक साधना तक, यानी जब तक आपका प्रयोग पूरा नहीं होता तब तक जलते रहे। इसके लालटेन का ढक्कन ऊपर लगाया जा सकता है। कुछ व्यवस्था कर लीजिए ताकि ऑक्सीजन मिले और डायरेक्ट हवा ना लगे। श्री यंत्र पर कुमकुम, पुष्प, धूप, अगरबत्ती से पूजन करें। पेठे का भोग लगाएं। अब एक चांदी या स्टील की थाली पर अष्टगंध से स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करें। स्वास्तिक पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर कुछ पीली सरसों या 2 लौंग अर्पित करें। इसके बाद सर्वा बाधा विनिर भुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यतिने संशय। इस मंत्र की 3 माला जाप करें। साधना के बाद श्रीयंत्र को घर के मंदिर में या ऑफिस के पूजन स्थल में रख दें और चावल पक्षियों को खिला दें। अब अगला प्रयोग, जीवन साथी के साथ रहती है अनबन तो करें ये उपाय। देखिए, कई बार लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर बीच बॉन्डिंग रहती है, लेकिन एक गलती के कारण दोनों अलग हो जाते हैं, सेपरेशन डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। प्यार, इश्क और मोहब्बत किसी रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप या ब्रेकऑफ हो जाता है। तो गुप्त नवरात्र के सोमवार के दिन
पूर्व दिशा में एक लकड़ी के बाजोड़ पर ही सिंदूर से रंगे चावल की एक डेरी बना लीजिए। पहले कपड़ा बिछा लीजिए। डेरी के मध्य शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप के बाद प्रतिमा पर सिंदूर अर्पित कर मौलिस से गठबंधन करें। इसके बाद सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, इसका जाप एक माला करें। साधना समाप्ति के बाद चावलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें और वहीं पर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि शिव पार्वती जैसी जोड़ी हमारी हो। उसके बाद हो सके तो गौरीशंकर रुद्राक्ष एक प्राप्त कर लें, उसे भी धारण करें। तीसरा है जॉब कर रहे या इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति में प्रयास कर रहे हमारे प्रिय साथियों के लिए ये उपाय है। देखिए, गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन सफेद वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा में एक लकड़ी के बाजोड़ पर पीला वस्त्र बिछाएं, आसन को इत्र मिश्रित गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब एक चांदी या स्टील की थाली में अष्टगंध से स्वास्तिक बनाकर गुलाब के पुष्पों की ढेरी पर रख दीजिए। थाली पर सरस्वती यंत्र हो, दुर्गा बेसा यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ है, उसे स्थापित करें। फिर धूप दीप दिखाकर स्फटिक की माला से ओम ह्रीम वागवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा मंत्र की एक माला जाप करें। साधना समाप्ति के बाद सरस्वती यंत्र को घर के मंदिर में स्थापित करें। प्रिय साथियों, ये प्रयोग आपके जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हो सके कुछ ना कर पाए, आपकी कोई भी मुराद है तो आप ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य दिन संचय, इसकी रोज एक माला जाप करें। दुर्गा अर्घ्य कीलक और हो सके तो सापोदार के 21 श्लोक का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और हो सके तो माँ दुर्गा के दर्शन कर लें किसी मंदिर में जाकर, और ये ही आपको शुभता देंगे। जय माता दी। मेरे प्यारे साथियों, आप दो माँ को हमेशा याद करें, माँ दुर्गा और हमारी माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया है। आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। एक बार जरूर बोलिए जय माता दी। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।